हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू चैनल दैट इज YK Creations। ये चैनल मैंने बनाया है अपना ब्यूटीफुल आर्ट वर्क्स, ड्राइंग्स, स्केचेस, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स, एक्रेलिक पेंटिंग्स, रंगोली, मेहंदी डिजाइंस आप सभी के साथ शेयर करने के लिए। तो ये सारी जो ब्यूटीफुल सी एक्रेलिक पेंटिंग्स है, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है पीछे, ये सब मैंने बनाई हैं और इनमें से कुछ की वीडियोस मैं बना चुका हूँ, तो ये मैं आगे आपको शेयर करूँगा। पर आज मेरी पहली वीडियो होने वाली है, तो मैंने सोचा कि पहले वीडियो में, वो कहते हैं ना कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने के लिए गणपति बाबा का नाम लेना बहुत ज़रूरी होता है, वरना वो कार्य सफल नहीं हो पाता। तो आज पहली वीडियो है, इसलिए आज हम गणपति जी की एक ब्यूटीफुल सी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बनाने वाले हैं। चलो चलते हैं और गणपति जी की एक सुंदर सी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बनाते हैं। कम ऑन गाइस, लेट्स बिगिन। तो गाइस, पहले हम बनाएंगे गणपति जी का ब्यूटीफुल सा स्केच कैनवास के ऊपर पेंसिल से। तो ये मैं बना रहा हूँ स्केच। स्केचिंग करते वक्त आप बहुत ध्यान से कीजिएगा कैनवास के ऊपर, क्योंकि कैनवास के ऊपर पेंसिल लाइंस को मिटाना इजी नहीं होता, उसके मार्क्स रह जाते हैं। और अगर आपसे गलती हो गई स्केच बनाने में, तो आप इरेज़र को वाटर में डिप करके जो भी आपकी गलती हुई है उसको इरेज कर सकते हैं, तो आपका मार्क्स कम दिखेंगे। तो हमारा स्केच गणपति जी का अब तैयार है। अब हम करेंगे पेंट। पेंटिंग पे पहले मैं कर रहा हूँ फेस पे पेंटिंग, और फेस के लिए मैंने चूज़ किया है ये येलो कलर। मैंने ब्राइट कलर्स यही चूज़ किए हैं, क्योंकि ब्राइट कलर्स से ना पेंटिंग बहुत अमेजिंग दिखती है। और मैं सिर्फ बेसिक 6 कलर से ही पेंटिंग करने वाला हूँ, और इससे ज़्यादा कोई कलर्स नहीं यूज़ करने वाला। बेसिक जो 6 कलर्स होते हैं उससे मिक्सिंग करके पेंटिंग बनाऊँगा। या मैं आर्म्स में पेंटिंग कर रहा हूँ येलो कलर, और जो सूंड है उनकी गणपति जी की, उन पर लाइट येलो किया है मैंने। और अब मैं उनके ऑर्नामेंट्स पे, ज्वेलरी पे येलो यूज़ कर रहा हूँ। अब बारी आती है उनकी पगड़ी पे। उनकी पगड़ी के लिए मैंने ब्राइट ब्लू कलर यूज़ किया है, क्योंकि ब्राइट ब्लू कलर हमें अच्छा लगता है येलो के साथ, उसका कॉन्ट्रास्ट और कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा। आप चाहे तो रेड कलर भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी अमेजिंग लगेगा। पर रेड कलर मैं अभी कान उनके और पार्ट्स पे, बॉडी के पार्ट्स पे यूज़ करूँगा, तो इसलिए मैंने ब्लू कलर उनकी पगड़ी के लिए यूज़ किया है। अब मैं बैकग्राउंड को सिलेक्ट पेंट करने वाला हूँ। बैकग्राउंड के लिए मैंने डार्क ब्लू यूज़ किया है, तो ये बहुत अच्छा अमेजिंग इफ़ेक्ट देगा बैकग्राउंड को, और पेंटिंग इससे और निखर के आएगी। अब मैं कॉन्ट्रास्ट के लिए हल्का सा पर्पल कलर यूज़ किया, पर्पल और ब्लू कलर का मैंने बैकग्राउंड बना दिया। अब उनके कानों को गणपति जी के, उनको पेंट करेंगे। पेंट करने के लिए मैंने रेड कलर यूज़ किया है, रेड मतलब लाइटिश ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर यूज़ किया है। अभी थोड़ा डार्क उसको करेंगे। पहली बार जो मैंने कलर बनाया वो थोड़ा सा ख़राब कलर बना, ऑरेंज कलर बन गया, पर उसको हम ठीक कर देंगे, रेड कर देंगे। अब हम मूषक राज को कलर कर रहे हैं। अभी मैं बेसिक कलर कर रहा हूँ, ये फर्स्ट टच दे रहा हूँ, इसके बाद हम सेकंड टच और देंगे कलर पे, उस पर पेंटिंग पे। अभी मूषक राज की बॉडी पे ब्लैक कलर पेंट कर रहा हूँ।
यहाँ पे हमारा फर्स्ट कोट कंप्लीट हो गया, अब हम आउटलाइनिंग कर रहे हैं। आउटलाइनिंग करने से बहुत इफेक्ट आ जाता है पेंटिंग पे। अभी मैं पगड़ी पे आउटलाइन कर रहा हूँ। पगड़ी को आउटलाइन करने के लिए मैंने डार्क ब्लू यूज़ किया है, क्योंकि लाइट ब्लू और डार्क ब्लू का उसमें अलग इफेक्ट दिखेगा। वो पगड़ी थोड़ी और नेचुरल दिखेगी और 3D इफेक्ट देगी। अब हम उनकी आइज़ का आउटलाइन कर रहे हैं। आइज़ के लिए येलो के ऊपर मैंने रेड कलर यूज़ किया है, तो इससे थोड़ा और कॉन्ट्रास्ट आएगा और बहुत अमेजिंग निखर के आएगी पेंटिंग। और ये फेस की आउटलाइन मैंने थोड़ी मोटी की है, इससे इफेक्ट अच्छा आता है। आईज को मैंने पतली आउटलाइनिंग दी है और फेस के आउटर साइड को मोटी आउटलाइनिंग। ईयर्स में मैं डार्क रेड से आउटलाइनिंग कर रहा हूँ, ताकि और अमेजिंग। और उसके अंदर रेड मैंने कहा था ना, वो पहले जो फर्स्ट कोट था उसमें लाइट ऑरेंज किया था, अब उसको मोर नेचुरल इफेक्ट देने के लिए और अच्छा इफेक्ट देने के लिए हम डार्क रेड यूज़ कर रहे हैं, ताकि और अच्छा इफेक्ट आए पेंटिंग में और अच्छी लगे पेंटिंग। अब मैं ब्लैक स्केच पेन यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे तो पेंटिंग ब्रश से भी आउटलाइन कर सकते हैं, पर मैं स्केच पेन से ज़्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ, तो इसलिए मैं स्केच पेन से आउटलाइनिंग कर रहा हूँ। अब मैं पूरी गणपति जी की पेंटिंग को ब्लैक स्केच पेन से आउटलाइन कर दूंगा। आउटलाइन करने से एक पेंटिंग में फिनिशिंग आ जाती है, पेंटिंग एक कंप्लीट पेंटिंग लगने लगती है। मैंने जहाँ रेड कलर भी यूज़ किया था आईज में, उसको भी मैंने ब्लैक कलर यूज़ किया, उसके ऊपर भी ब्लैक लाइनिंग कर दी है, ताकि और अच्छी लगे पेंटिंग। हल्का हल्का रेडिश इफेक्ट है ही उसमें पेंटिंग में, लेकिन ब्लैक आउटलाइनिंग कर दिया, ब्लैक आउटलाइनिंग से और अमेजिंग लगने लगी है पेंटिंग। हर चीज़ को, उनके क्लोथ्स को, उनके ऑर्नामेंट्स को। और अब ये देखिए शेडिंग इफेक्ट दे रहा हूँ मैं स्केच पेन से, लाइट येलो कलर से उनकी सूंड पे, उनके ओवर द हेड पे और ईयर्स पे हल्का हल्का लाइट येलो कलर से कर रहा हूँ, ताकि अच्छा इफेक्ट देखे, मोर और ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देखे उस पर पेंटिंग पे। थोड़ा डार्क पेंटिंग पे डार्कनेस आए, थोड़ा लाइट्स एंड शेडोज़ का इफेक्ट है। लाइट्स एंड शेडोज़ मैं पेंटिंग ब्रश से भी देता हूँ, लेकिन मैंने इसमें स्केच पेन से दिया, क्योंकि स्केच पेन से ज़्यादा अच्छे कलरिंग इफेक्ट्स आते हैं, ज़्यादा अच्छे लाइट्स एंड शेडोज़ बनते हैं। तो मैंने लाइट्स एंड शेडोज़ के लिए पेंटिंग ब्रश की जगह स्केच पेन यूज़ किए हैं। आप चाहे तो पेंटिंग ब्रश से भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं पेंटिंग ब्रश से लाइट एंड शेडोज़ बना के आपको दिखाऊं, तो आप कमेंट करके बता देना, मैं अगली वीडियोस में लाइट एंड शेडोज़ पेंटिंग ब्रश से बनाऊंगा, ना कि स्केच पेन से। गाइस, हमारी ब्यूटीफुल सी गणपति जी की एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग तैयार है। आपको ये पेंटिंग कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को और शेयर कर देना वीडियो को, और अगर अच्छी नहीं भी लगी हो तो भी लाइक कर देना, क्या जा रहा है। और कमेंट करके ज़रूर बताना, अपना फीडबैक देना, आपको ये पेंटिंग कैसी लगी, और आगे आने वाली आप क्या पेंटिंग अलग देखना चाहते हैं, पेंटिंग में क्या कंटेंट देखना चाहते हैं, क्या किस चीज़ की मैं आपको लगता है पेंटिंग बनाऊँ, उसकी पेंटिंग मैं ज़रूर बताऊंगा। कमेंट ज़रूर करना हर वीडियो पे। थैंक यू गाइज, होप यू लाइक दिस वीडियो, और सपोर्ट ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल आइकन को भी हिट कर देना, ताकि मैं जब भी आने वाली वीडियो डालूं आपको पता चल जाए और नोटिफिकेशन आ जाए। बाय गाइज, होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड माई पेंटिंग टू। बाय, लव यू ऑल।